Spirit's leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. न्यू MG हेक्टर 2023 ये नहीं है भाई, वो है। तो भाई आज इसको इसका आपको रिव्यू मिलेगा, कैसी है लुक वाइज, कंफर्ट वाइज, ड्राइविंग टेस्ट करेंगे इसका आज। तो गाइस ये है आपकी 2023 की न्यू MG हेक्टर जनरेशन फेसलिफ्ट। तो भाई ये गाड़ी है जो इसमें लेक्सस ग्रिल, मतलब मैं तो लेक्सस ही बोलता हूँ भाई, जो स्क्वायर ग्रिल है भाई, एक नंबर की लुक देती है। पर भाई वो ही इसके हेडलैम्प्स पुराने वाले की तरह, भाई जो जो चेंजेस आया मैं आपको बताऊंगा अब। तो भाई सबसे पहले ये डोर कितना चेंजेस है ये देखो भाई, बहुत फ़र्क है। तो भाई ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई, ये बहुत चेंज हुआ है अब की बार। और इसमें एक ख़ास फीचर और नया आया है जो कि है एक सेकेंड, हम जैसे ही स्विच लगाते हैं और भाई हमने जैसे नाइट में हम वो लाइट्स ऑन करते हैं तो भाई ये देखिए एम्बियंट लाइट। और भाई दूसरा चेंज ये है जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो भी भाई बहुत बड़ा कर दिया पहले से। MG की बात तो कहनी पड़ेगी भाई, पहले भी बहुत बड़ा किया था भाई, अपडेट भी आ गया भाई, फ्यूल हुआ उसकी बता रही है। तो भाई ये देखिए टच, ये भाई बात कहने की, हाँ टच बहुत स्मूथ हो गया। लैग तो अभी भी है इसमें थोड़ा बहुत, बाकी ये इसका डैशबोर्ड भी चेंज हो चुका है आपके बार भाई। डोर चेंज अपने इन्फिनिटी का, इसमें म्यूजिक सिस्टम आता है और जो भाई अपना पैनारोमिक सनरूफ वही है। सीट की जो क्वालिटी है वो की बार चेंज की गई है, मैं अपने की भी दिखाऊंगा। और इसको देखो भाई बहुत बढ़िया कर दिया। और भाई इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, पहले उसका कंट्रोल यहाँ पे आता था वो थोड़ा अजीब सा लगता था, पर अब यहाँ पे दे दिया। जो इसकी वायरलेस चार्जिंग थी भाई पहले वो बिल्कुल बेकार जिसको कहते हैं, अब की बार तो बहुत अच्छी चीज़ ने मतलब अपग्रेड किया है, मतलब एक नंबर की होगी अब की बार। और भाई हेडरूम भी आपको बहुत MG प्रोवाइड करती है स्टार्टिंग से। और ये भाई एक बार आप इसकी की ओर दिखाता हूँ, ये देखिए स्लिम पूरी एक नंबर की मिलती है आपको। और भाई आपको पीछे से दिखाएं लेग रूम, तो भाई ये देखिए MG इस चीज़ में तो मानी जाती है भाई कंफर्ट में। और भाई पीछे का डोर भी चेंज हुआ है, मतलब पूरा सेट ही वो अपग्रेड चेंज। और भाई लेग रूम देखो कितना, और भाई आप हेड रूम भी देख सकते हो कितना आपके बार, तो मतलब पहले भी सेम ही था तो अब की बार ही तो सेम ही अंदर से वैसे लुक वाइज, पर जो इंटीरियर में चेंज आया ना भाई वो नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल। और भाई अपना आर्मरेस्ट मिल जाता है यहाँ पे, दो कप होल्डर मिल जाते हैं आपको, और जो पीछे के वेंट्स हैं वो भी चेंज है भाई अब की बार। तो जो पहले वाले थे वो इतने मतलब डिसेंट थे, वो कह सकते हो उसको डिसेंट, पर अब की बार जो लुक दिए ना भाई बैक की मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये भाई बैक की लुक कम्प्लीटली चेंज भाई, ये मतलब शार्क भी 19 आपको ऊपर मिलता। और भाई पहले इसमें कॉन्टिनेंटल के टायर आते थे, अब गुड रीज के दे रहे हैं जिसकी प्रोफाइल है 215/55R18। तो भाई आपको 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है, जो पहले भी 18 इंच का ही व्हील्स मिलते थे। अब देखिए इसका ओडोमीटर, इसमें आपको वही पहले वाला टायर मॉनिटरिंग सिस्टम, और भाई जो ये वर्जन है पेट्रोल है, मतलब डीजल में भी मैनुअली आता है, पर जो आपको पावर फिगर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे और जो डीजल के वो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो ये मैनुअल आती है ओनली डीजल में, नो डीजल में आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता, जो मिलता है तो बस ओनली पेट्रोल में ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। डीजल में भी मैनुअली मिलता है वैसे तो, पर ऑटोमेटिक नहीं दे रहे भाई, ये तो गलत बात इनकी। भाई जो सीट्स का कंफर्ट है भाई वो नेक्स्ट लेवल है। और आपको भाई एक चीज़ और ख़ास बात, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट मिल जाती है आपको इसमें, ये देखिए आगे तो लुक ही अलग है, इसकी कोई कहना ही नहीं है। न्यू जैन MG हेक्टर 2023 भाई मेरे को लगी एक नंबर की, आप भी बताना आपको कैसी लगी।
तो भाई इस वीडियो करते हैं पेंड, और आखिर में इसको आपके सिनेमैटिक शॉर्ट्स भी दिखाए जाएंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना हो कैसे लगे। Through the highways, till my shadow turns to sun rays.